मानव केयर संस्थान द्वारा सरकारी ब्लड बैंक में भी ब्लड की कमी के मजेंद्र गांव घीड़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता की छवि के समक्ष पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कार्य किया गया है। संस्था के प्रदेशाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, किसी भी विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की है कि किसी प्रयोगशाला में रक्त बनाया जा सके, इसलिए रक्तदान मानव को मानव से भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है। संस्था के सचिव जय भगवान वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्था का 45वां रक्तदान शिविर है। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को रक्तदान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। मुकेश गर्ग ने कहा कि संस्था द्वारा कोरोना काल के दौरान गरीब परिवारों को राशन वितरण, ब्लड और डोनेशन और कोरोना पीड़ित लोगों को कई प्रकार की सेवाएं दी जा रही है। कार्यक्रम में 55 यूनिट रक्तदान हुआ है, जो कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की टीम को गरीब व असहाय और इमरजेंसी सेवाओं के लिए दिया गया है। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक वर्मा। क्या करते हो आप? भट्टी में लगे। आपने आज ब्लड डोनेट किया है? पहले भी कभी किया है? नहीं सर, फर्स्ट टाइम किया है। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया? कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही? तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबको देना चाहिए सर ब्लड। ब्लड देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर? कोई दर्द, कोई कुछ आपको लगा हो कोई? तो ये हमारे साथी, क्या नाम बताया आपने? अभिषेक वर्मा जी हैं, और ये बोल रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती है और सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। हमारे साथ जेबी वर्मा जी हैं, मानव के संस्थान के सचिव हैं। सर, आज जो ये गीड़ में कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितने यूनिट आप मान के चल दोगे आ जाएंगे? आज मानव केयर संस्थान के द्वारा जो ये एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि जो भी कोरोना की वजह से लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे और संपर्क में ना आने की वजह से ब्लड बैंक में ब्लड की कमी जो महसूस हो रही है, और जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि भी इस टाइम में सबसे ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, उसको देखते हुए मानव केयर संस्थान ने ये जो कदम उठाया है बहुत ही एक प्रशंसनीय है। इसको देखते हुए मैं एक आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमें इस तरह के कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी आइटम है जो किसी फैक्ट्री या किसी भी चीज़ के द्वारा या ना उसमें से निकाली जाती है ना उसमें से बनाई जाती है, तो ये एक मानव ही मानव के काम आता है और मानव के द्वारा ही ये डोनेट किया जाता है, और सभी को ये काम करना चाहिए, सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश कुमार जी, पहले भी आपने कभी डोनेट किया? हाँ जी, मैंने 12 बार पहले दिया था। अच्छा, और एक बार प्लेटनेस दिया है, और अच्छा। आज मैंने 14वीं बार खून डोनेट किया। तो आपको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके? क्या लग जब रहा है? जब भी डोनेट करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, भाई मेरा खून किसी के काम आए, अपने देश के लिए। ब्लड डोनेशन से कोई किसी किस्म की शरीर में कोई आपको लगता है कि भाई दिक्कत होती है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल एकदम खून देने के बाद ऐसे फ्रेश होता है जैसे एक नया जीवन होता है। तो आप हमारे युवा साथी हैं, हमारे युवा साथियों के लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश है जी, खून देना जरूरी चाहिए, और जी खून जिसका बिगाड़ हो उसका मतलब नया खून बनता है जी इसमें खून देने से, और जी मतलब वो बहुत बीमारियाँ जो होने वाली होती हैं उनको वे बीमारियाँ कभी नहीं होती शरीर में खून देने से। आपका मतलब ये है कि ब्लड डोनेट करने से समाज के साथ साथ अपना भी फायदा होता है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, समाज देश के भी काम आता है अपना खून, और अपने सभी के भाइयों के भी काम आता है, बीमार जो आदमी होते हैं उनके काम आता है, और अपने खुद का फायदा भी होता है जी। धन्यवाद सर। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।